आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ। पैसा जितना मर्जी कमा लो, अगर आपको ये नहीं पता कि अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, और सिर्फ फिट ही नहीं, एक्टिव कैसे रखना है, बाहर से फिट नहीं अंदर से भी फिट कैसे रखना है। लोग कोशिश करते तो हैं, स्पेशली लड़कियां, कि वेट लॉस, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है, अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है अंदर से एनर्जी बढ़ती रहे, बाहर से आप फिट रहें, अंदर से भी पूरी तरह से हेल्दी रहें। ये आज के सेशन का टॉपिक है। ये नहीं कि बीच में आप जो क्वेश्चन सोच करके आए हो, यहाँ पर आ रहे थे, मेरे को ये पूछना है, वो घुस करके बीच में पूछ रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ की, आप कुछ और ही पूछ रहे हो, मेरा ब्रेकअप हो गया। इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो ऐसे बीच में घुसाना नहीं है किसी भी अननेसेसरी टॉपिक को। जिस टॉपिक पे हम हैं उसी पे स्टिक रहना है। अगर उससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, और हेल्थ भी अंदर से स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्या बोला आपने? पहला सुख निरोगी काया। हाँ, पहला सुख निरोगी काया। वाह वाह, थोड़ा सी मजाक चलेगा या नहीं? थोड़ा चल सकता है, चल सकता है। हाँ, आप भी मेरा मजाक उड़ा सकते हो। बीजू यही तो आज इस सेशन में होने वाला है कि ऐसा क्या होता है। अभी आएंगे एक एक करके इसके ऊपर आएंगे, मतलब बाहर से भी फिट और अंदर से भी फिट, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तरह से एक्टिव रखना है बॉडी को। कि मतलब जब हमको बॉडी की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, जितनी देर के लिए है तो बॉडी हमारा साथ दे। जैसे अगर हमको सुबह उठना है, एग्जाम टाइम चल रहा है, 4 बजे उठना है, तो बॉडी हमारा साथ दे, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं तो बॉडी साथ दे, है ना? या लड़की छेड़ दी है तो बॉडी साथ दे, लड़की का भाई पीछे पड़ा हुआ है तो बॉडी साथ दे। तो ऐसा कैसे होगा बताइए जी। योगा एंड मेडिटेशन, बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन योगा और मेडिटेशन बहुत बोरिंग नहीं होता है क्या? मतलब देखो, हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना है। मेरे सेशंस को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैं थ्योरेटिकल बातों में बिलीव नहीं करता हूँ, कि कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया आपने, सुना, हाँ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं करे कैसे। इसमें कुछ नहीं पड़ा है, प्रैक्टिकली देखो, योगा इज बोरिंग, मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली बोरिंग आप लोगों के लिए, राइट? जब तक कि समझ नहीं आएगा कि मेडिटेशन क्या है। तो अब चैलेंज ये है, ये तो हमें पता है कि योगा और मेडिटेशन अच्छा है हमारे लिए, इसको इंटरेस्टिंग कैसे, बट योगा इंटरेस्टिंग तरीके से करें कैसे? आपको करके नहीं दिखाना है वैसे ही, मतलब मतलब कैसे? अपने आसपास, मतलब अपने साथ लोगों के साथ खेल के, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर, और फिर एक दोनों कंपटीशन लगाएं तो योगा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज कि इसमें आप कंपटीशन को इन्वॉल्व कर दो, कि आप योगा अकेले करने की बजाय अपने फ्रेंड के साथ में करो। वहां पर एक थोड़ा ड्रॉबैक भी है, अगर फ्रेंड ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है तो आपका भी मूड, मतलब आप किसी और पे डिपेंड हो जाओगे। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपसे बेटर है, फिर चाहे योगा में, चाहे जिम में, चाहे एरोबिक्स में, किसी भी चीज में, तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। उसके साथ में जा करके चिपक जाओ, चिपक जाओ, चिपक जाओ, मतलब वैसे नहीं, मतलब उसके साथ में रहो। ठीक है, अश्लील लोग बोलता हूँ कुछ भी, उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। उसके साथ में आप लग जाओ, लग जाओ, आप लग जाओ, तो जो भी है, मतलब उसके साथ में आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ये योगा करना शुरू कर दो, तो क्या होगा, कभी आप, आपका मन नहीं भी होगा तो वो आपको चार्ज्ड अप कर देगा। सर, मेडिटेशन, जहां तक मेडिटेशन एंड योगा इज गुड फॉर मेंटल अवेयरनेस, बट सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस की गई है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज। प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज इंडिया में मोस्टली पीपल को है नहीं, वाट लगी पड़ी है शरीर की, पता नहीं है करना क्या है। एक मेरे अंकल है, ठीक है, वो यूएस से है, उनसे जब मैंने पूछा, वो कहते हैं हमारे यहाँ आपको बंदा पढ़ा लिखा नहीं है बट उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज है। बट अपने इंडिया में बंदा कितना भी पढ़ ले, कितना भी कमा ले, बट उसे न्यूट्रिशन की बात करो नहीं पता। मेरी सिस्टर है, प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, उनसे मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कैसा है अब उनका, कैसे चल रहा है, ठीक है, बस कह रहे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर। और एट लास्ट स्टेज में जब आ जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाना, तब कहते हैं ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, तब न्यूट्रिशन का कोई काम ही नहीं है वहां पर, वहां पर तो ऑपरेशन का काम है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अपनी बॉडी को अगर हमको फिट रखना है, जो अभी आपने भी पूछा था, कि अगर हमको पूरी तरह से एक्टिव रखना है, तो मैं चरस गांजा नहीं लेता हूँ, स्टेरॉइड्स भी नहीं लेता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ, चवनप्राश लेता हूँ, ये गरीब भाई ने बात देसी, चवनप्राश लेता हूँ।
अरे कोई सा भी ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब हम ऐसे ऐड करवाओगे यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम खाते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारे अंदर आलस आने लग जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम खाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चार्ज्ड अप हो जाते हैं। तो अगर आप चार्ज्ड अप रहना तो चाहते हो लेकिन खा रहे हो ऐसा जिसकी वजह से आप पड़े रहोगे, तो अब आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, माइंड के अंदर एक बड़ा अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। एक तरफ से आप एक्टिव रहना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप खा ऐसा रहे हो जहां पर आप एक्टिव रह ही नहीं सकते। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने में 90% जो रोल है, अगर आप में से पूछोगे, ऑल्दो इट मे लुक ऑड टू यू ऑल, 90% जो रोल है वो है डाइट का और 10% है एक्सरसाइज का। और यहां पर आप किसी से भी पूछोगे डाइट के ऊपर आपका क्या है, अरे नहीं नहीं मेरे को पतला होना है, मतलब लोगों को एक ही चीज पता है कि अगर मैं मोटा हूं मुझे पतला होना है तो मुझे भागना है। राइट राइट, सब भाग रहे हैं खच्चरों के। प्यारा वर्ड है ये खच्चर, मतलब चाहे मैं वेल्थ की बात करूं चाहे हेल्थ की बात करूं, खच्चर वही क्या वही है, ये वर्ड नहीं हिलने वाला है। समझ गए ना कि भैया मेरी फॉर एग्जांपल के अब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी में 6 महीने रह गए हैं, मेरे को फोटो में अच्छा लगना है, लड़की को सब आकर के बोलेंगे कि बेटे दूल्हा कहाँ है, ये तो दूल्हे का बाप लग रहा है। तो अब क्योंकि एक मोटिवेशन आया बाहर से, टारगेट मिल गया, गोल मिल गया, 6 महीने रह गए, तो अब उसको कोई तरीका पता ही नहीं है, क्या करेगा, भागेगा पागलों की तरह। 6 महीने में तो पतला हो गया लेकिन 6 महीने बाद देखोगे तो अरे डबल, पहले से भी, पहले जैसा नहीं, पहले से भी बढ़िया है ना, पहले से भी ज्यादा खाते पीते घर का। तो क्या बोलते हैं मोटे लोगों का, यहाँ पर खाते पीते घर का है, मेरे वैसे तो भूखे नंगे लगते हैं। कई मेरे रिलेटिव बोलते हैं बेटा कुछ खाया पिया कर, मैंने कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, आपका देखो ना पेट खा जा रहा है, 50-50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट लगती है लेडीज, क्या हो रहा है। देखो जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल करके दिखा रहे हैं, और जो नहीं तोड़वा लगते हैं पेट में, भरा पड़ा है। मैंने कहा आप हो तो सही खाने पीने के लिए, कुछ छोड़ता ही नहीं हम जैसों के लिए, तो हम ऐसे ही हो जाते हैं। लोग जिंदगी में आगे बढ़ने पर इनका पेट आगे बढ़ जाता है। हाँ, पेट आगे बढ़ जाता है। व्हाट अ थॉट, व्हाट अ ग्रेट थॉट। तो अब क्या है, एक रास्ता ये होता है कि भागो पागलों की तरह, खच्चरों की तरह, या फिर क्या करेंगे, सीधा ही डाइटिंग की बात करेंगे। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं पता लोगों को, और दोनों ही बेवकूफी है। डाइटिंग में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, टॉर्चर इज द राइट वर्ड। तो जो टॉर्चर्ड बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कभी ना कभी तो, जैसे अगर आप किसी बंदे को टॉर्चर करते रहो क्या होगा, एक ना एक दिन वो रिवोल्ट करेगा। टॉर्चर की एक हद है ना, कब तक हद वो सहेगा या सहेगी, कभी ना कभी तो वो रिवोल्ट हो जाएगा, बल्कि करेगा भी क्या, रिवोल्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है, डाइटिंग आप करोगे, एक स्टेज के बाद में जाकर सब छोड़ो, सब बेकार है, क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर से निकल जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हमको कम खाना भी है तो उससे आप हल्का फुल्का इधर उधर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी जरूरत है बॉडी की, मान लो 1600 कैलोरीज की, और आप सीधा 1000 कैलोरी पे आ गए, तो एक दो दिन से ऊपर नहीं चल पाओगे, उसके बाद में अंदर के सारे सिस्टम्स बिगड़ने लग जाएंगे। अब आप बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जो लोग ये डाइटिंग करते हैं आप देखोगे उनकी स्किन लटक जाएगी, या वैसे तो पतले हो गए, देखने में सिकची पहलवान लग रहे हैं, लेकिन जो फैट है वो लटक रहा है, मतलब जो पेट है ना उसके आसपास में आप देखोगे अगर ऐसे हाथ लगा करके, अब अगर आप लड़के हो तो लड़के का हाथ लगा सकते हो, लड़कियों के मत लगाना जा करके, एक बार देखने दो मुझे आप क्या कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, फैट लटक जाएगा, मतलब बॉडी में से फैट नहीं गया है, मसल्स गिर गई है, मसल्स गिरने की वजह से वेट लॉस हो गया है, और वो वेट मशीन पर देख करके खुश हो रहे हैं लोग कि मेरा वेट लॉस हो गया, मेरा इतना किलो कम हो गया, उतना किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं, आप बैठ सकते प्लीज, हैव अ सीट। तो किलो कम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपका काफी वेट लॉस हो गया, 10 मिनट से खड़े हो इसीलिए मैंने आपको खड़े रखा था, बहन न्यूट्रिशनिस्ट है फिर भी। तो न्यूट्रिशन की सही नॉलेज, मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, अगर मैं न्यूट्रिशन का, अब मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस तरह से फिट रहता हूं, एक्टिव रहता हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। मेक सेंस? हाँ। और ये नॉलेज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के पास में होनी ही चाहिए, कि हमारी जो भी डाइट है, जो भी हम खाते हैं, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए, कार्ब्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए,
लोग क्या गलती करेंगे, फैट को ही निकाल देंगे अपनी डाइट में से, उससे क्या होगा आपका जो फेस है उस पर से ग्लो चला जाएगा। अभी आपको एक ग्लो नजर आ रहा होगा, एक चमक नजर आ रही होगी। वो चमक क्यों है? वो फैट की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं है। प्रोटीन की वजह से तो मसल्स है। समझ गए? तो हमको पता होना चाहिए क्या चीज से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, फैट से। फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एक लुब्रिकेंट की तरह वो काम करता है। उसके अलावा जो आपकी स्किन है उसके लिए बहुत जरूरी है, अंदर जो बॉडी के फंक्शंस है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फैट भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि फैट कम करना है, रोटी पर से घी लगाना बंद और हम सोच रहे हैं कि अब हमारा बहुत अच्छी डाइटिंग चल रही है। ऐसा नहीं होता है, ये सब कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन ये क्या है, बिना सोचे समझे एक्ट करने वाली बात है। कि किसी ने कह दिया ऑलिव ऑयल अच्छा होता है तो ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू कर दिया, और उससे पूछा जाकर के दुकानदार से सबसे बढ़िया कौन सा होता है जी ऑलिव ऑयल, जो चढ़ाया नया नया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया होता है, वो लेकर के आए और उसमें पकौड़े तल करके खा रहे हैं। जबकि ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो कुकिंग के लिए नहीं होता है, कुकिंग के लिए जो हमारे इंडियन ऑयल्स हैं वो बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल हो गया अगर आपको प्योर कहीं से मिल जाए तो, हाँ उसके अलावा अपना देसी घी हो गया वो कोई बुरा नहीं है, कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, बहुत ही अच्छा है। तो न्यूट्रिशन का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि मेरा अगर डेली रूटीन क्या है, आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, हाँ तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा पहले जो वेट था दैट वॉज अराउंड 85 kg, आज की डेट में है अराउंड 69 kg, 68 to 69। और मजे की बात क्या है, अगर एक पूरा एक टेस्ट होता है बॉडी का, उसको BMI टेस्ट बोलते हैं, उसमें क्या होता है हमको पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में जो मसल परसेंटेज है वो क्या है, फैट परसेंटेज है वो क्या है। तो मेरी जो बॉडी है उसमें फैट परसेंटेज कम है, मसल परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये अच्छा होता है। अगर आपका वेट लॉस तो हो गया लेकिन उसमें फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और मसल परसेंटेज कम है तो ये आपके लिए बुरा है, आपकी बोन्स के लिए भी बुरा है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मसल्स को बढ़ाना है, फैट को घटाना है, दैट शुड बी द टारगेट। अगर ऐसा रहेगा तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, बॉडी में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूँ, सुबह से क्या रूटीन होना चाहिए। सुबह उठते ही थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, हनी डाला और पी गए, उससे क्या हुआ एक बार को बॉडी चार्ज्ड अप हो गई। अब जो भी मैं कह रहा हूं, अब मजे की बात क्या है, इसका प्लस भी है माइनस भी है। जैसे आप नेट पे जाकर के पढ़ोगे ना सुबह हनी लेमन ड्रिंक पीने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो आपको फायदे भी मिलेंगे और नुकसान भी मिलेंगे। आपको क्या देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। समझ गए? मतलब न्यूट्रिशन में और हेल्थ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको समझना होता है अपनी खुद की बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इसको। जैसे मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद में जो भी अपने दिनचर्या के सुबह के काम होते हैं वो करे, ठीक है, मतलब ब्रश व्रश किया है जो भी होता है वो किया, उसके बाद में इमीडिएटली एक फ्रूट खाना है। ये मैं करता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है। क्यों करता हूँ? क्योंकि उस वक्त बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, बनाना, सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट टू ईट इन द मॉर्निंग, क्योंकि उस पर आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब अनार खाने लग गए तो हो गया काम आपका, लगे रहोगे एक घंटे तक, ये काम दादी करे तो अच्छा लगता है, ये दादी नानी के लिए छोड़ दो कि आज अनार खाने का बड़ा मन है, ले बेटा मैं लगी हुई हूँ, स्वेटर बुन रही हूँ और साथ साथ में ये है ना ये, लेकिन हम लोग ये इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम ये कह सके। तो मेरे लिए जो फेवरेट है दैट इज बनाना, उसके साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो। जैसे फ्रूट के साथ में अगर आपने थोड़े से भीगे हुए बादाम खा लिए तो अब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी एक मील हो गई। आपकी बॉडी को आइडियली हर 3-3 घंटे में एक मील चाहिए, ये हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में सीधा लंच किया कितने घंटे बाद, उसके बाद में सीधा डिनर, और डिनर तक तो हम हफ्शी बन चुके होते हैं, हाँ मर रहे होते हैं कि लाओ खाना लाओ, 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो पता नहीं क्या हालत हो जाती है। आपको कभी भी इतनी ज्यादा भूख नहीं लगनी चाहिए कि आप खाने के लिए पागल हो जाओ, ये इसका लॉजिक है कि हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। उसके बाद में पार्क चला गया 10 से 15 मिनट वॉक के लिए, अब वहां पर जाकर के क्या करना है वो अंदर से आ रहा होता है। कभी होता है कि बैठ करके आराम से लोगों को देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, कभी है स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, कभी है कि कुछ बेसिक से पुशअप्स करने का मन करो तो पुशअप्स कर लिया। मतलब कोई रूटीन नहीं है, आप समझिए रूटीन ये है कि मुझे डेली जाना है 15 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर जाकर के क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि वो बोरिंग नहीं होता कभी भी, क्योंकि रोज कुछ अलग हो रहा होता है। बट यही अगर मैं कहूँ कि मुझे डेली पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट रहना है,
इट गेट्स सो बोरिंग, आपका मन ही नहीं करेगा अगले दिन जाने। तो मुझे रोज मजा आता है, रोज मैं कुछ अलग देख रहा होता हूँ। जैसे वहां पे बैठा तो मैं एक दिन क्या ऑब्जर्व कर रहा था, ये अजीब अजीब सी चीजें आप कहोगे, अरे क्या बातें कर रहे हो, समझ आ रही है नहीं, ऊपर से जा रही है। हाँ, एक दिन मैं क्या देख रहा था कि हमारे घर के पास में एक पार्क है, वहां पर डेली ना लोग वहां पे जाकर के कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। नॉर्मली ये रोज होता था, लेकिन उस दिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी, वहां पे कोई कबूतर नहीं था। फिर मैंने देखा क्या चक्कर है, तो वहां पर एक पोल है, लाइट का एक पोल है, जहां पर वो जगह है जहां पर कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, उस पोल के ऊपर एक चील बैठी हुई थी। देयर वाज एन ईगल सिटिंग देयर। मैं देख रहा था आराम से वहां पर बैठा हुआ फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। दिस इज मेडिटेशन, आप समझ गए, दिस इज मेडिटेशन। देखो क्या किया मैंने यहां पे, कि हेल्थ को मेडिटेशन से लिंक कर दिया और पता भी नहीं लगा। मेडिटेशन क्या समझते हो आप लोग, कि आपको एक मंत्र दे दिया और उसको जपे जा रहे हो, वो मेडिटेशन है? मेडिटेशन का मतलब क्या है, ध्यान देना एक जगह पर, अपने थॉट्स को देख लेना मेडिटेशन है, अपने माइंड को ऑब्जर्व कर लेना मेडिटेशन है, अंदर गुस्सा उठ रहा है उसको जान लेना मेडिटेशन है, अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद में हालत खराब हुई पड़ी है, होता है? हाँ अभी हुआ है। अच्छा कहानियां सुनी है, क्या हो गया यार, हाँ चल बोतल लेके आते हैं दो तीन, एक की कैपेसिटी होती है चार बोतल पी जाते हैं। तो उस वक्त क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन तो ये है नशे में चले जाओ, भूल गए और उल्टी सीधी हरकतें करो, तो आप क्या हो रहा है, आप ध्यान से दूर जा रहे हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, विच इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस, फेस भी कैसे करते हैं, मतलब देखोगे अंदर चल क्या रहा है, इट इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज रियल मेडिटेशन। रियलिटी और इल्यूजन के बीच के डिफरेंस को समझना मेडिटेशन है। थॉट्स एक इल्यूजन है, ये हमको कब समझ आता है, दिखाऊं आपको, प्रैक्टिकली दिखाऊं, देखो रियल मेडिटेशन समझो क्या होता है। अपने आप को बोलो, देखता हूं मेरे माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, बस इतना सा बोल दो अपने आप को। बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ होगा यहां पे, आप मुझे बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होता है। पूरे ध्यान से देखो, बताओ क्या होता है। Blank. 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 ये आप सबका एक्सपीरियंस है या मैं बोल रहा हूं, ब्लैंक हो गया? Yes, तो क्या हो रहा था, क्या एक्सपीरियंस आपका कह रहा है? जैसे ही आपने अपने थॉट्स को देखना शुरू करा तो थॉट्स गायब, जैसे ही आप उसको देखते हो वो गायब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, थॉट इज जस्ट एन इल्यूजन। देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूं, बिना बोले कोई थॉट नहीं होता है, तो देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं। जैसे देखता हूं बोलना बंद हो जाता है, समझे? ये मेडिटेशन है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, किसी बुक में नहीं मिलेगी इस तरह की मेडिटेशन, ये समझना पड़ता है। सर ऐसा क्यों हुआ लेकिन? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थॉट्स आर जस्ट एन इल्यूजन, जैसे भूत। जब भी आपको जिस भी भूत से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, तो एक बार जाओ अंधेरे में जा करके देखो, तो उस भूत के बारे में जो आप सोच रहे थे कि उस अंधेरे कमरे में वहां पर भूत होगा, जब जा करके देखोगे कोई भूत नहीं मिलेगा। मिल गया तो मिल गया तो या मिल गई तो ठीक है। ये फटाफट आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के ऊपर वापस से आते हैं। मैं आपको अपना रूटीन के बारे में बता रहा था कि मैं क्या करता हूं, और आपको अब इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसको याद रखना है। डू मी मैकेनिकल अबाउट इट, कि वो करता है तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी यही करूंगी। अपनी बॉडी को समझना है कि ये करने से आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो क्या किया, फ्रूट्स खाए, उसके साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाए, उसके बाद में थोड़ी देर वॉक किया, क्योंकि खाते एकदम से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से वॉक किया। उसकी भी कोई पैटर्न नहीं है कि रोज यही करना है, कभी बैठा हुआ हूँ, कभी मन कर रहा है तो पार्क में एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, कभी नहीं भी कर रहा हूँ, कभी सिर्फ चल रहा हूँ, कभी तेज चल रहा हूँ, कभी धीरे चल रहा हूँ, कभी जॉगिंग कर रहा हूँ, समझ गए? कोई पैटर्न नहीं है, रूटीन है। रूटीन जरूरी है कि हाँ डेली 15 मिनट जाना है तो जाना है। वहां पर भी कोई लकीर का फकीर नहीं हो कि इतने बजे जाना है तो इतने बजे जाना है, इतने बजे नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी जल्दी भी चला गया, कभी लेट भी चला गया।
उसके बाद में क्या हुआ, वापस आया अपने घर पर, आकर के योगा किया अराउंड 20 से 25 मिनट। योगा के साथ में मैंने कुछ और चीज़ें हैं उसको मिक्स किया हुआ है, मतलब बेसिकली वहाँ पर क्या करना होता है, पहले मसल्स को स्ट्रेच करना होता है, उसके बाद में मसल की स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो अपने घर में मैंने एक रॉड लगवाई हुई है, दो छोटे छोटे डंबल्स रखे हुए हैं, कोशिश करता हूँ कुछ वेरिएशन करने की, कुछ इम्प्रूव करने की, कुछ डिफरेंट करने की, कुछ क्रिएटिव करने की, तो उसमें भी मज़ा आ रहा होता है, तो योगा इंटरेस्टिंग हो जाता है। करता अकेला हूँ, किसी के साथ में नहीं करता हूँ। उसके बाद में कुछ देर के लिए साइलेंटली बैठ जाता हूँ और देखता हूँ अंदर क्या थॉट चल रहा है। जैसे भी आप लोगों ने देखा था ना, 10 मिनट के लिए हमें पता तो होना चाहिए हमारे अंदर क्या चल रहा है। आपको सब पता है कि बाहर क्या चल रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू, टीवी में, अखबारों में, आपको सब पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको सब पता है दीपिका पादुकोण की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद में किया ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9 और 9:30, वहां पर भी कोई फिक्स नहीं है, बट 9 से 9:30 के बीच में मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मस्ट बी हैवी, वो सबसे हैवी मील होनी चाहिए आपकी। ज्यादा खाने से आप ये मत समझो कि आप मोटे होते हो, सही ना खाने से आप मोटे होते हो। मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, अगर आप कभी मेरी डाइट आकर के देखोगे तो आप डर जाओगे, कहोगे ये क्या हो रहा है, बट हेल्दी खाता हूँ। जैसे ओट्स उपमा, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, ओट्स उपमा दैट इज वेरी हेल्दी। उसमें कुछ आप वेजिटेबल्स डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, मेरे को खुद को भी कुकिंग आती है बेसिक सी, तो अगर घर पे कोई नहीं होता है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। ऐसे ही डेली चेंज होता रहता है, कभी ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा दिया वो ले लिया, नॉर्मल बटर से पीनट बटर बेटर है, ठीक है। इस तरह से कभी पोहा ले लिया, कभी बेसन का चीला ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है, अपना जो ये बेसिक जो फूड है ना वो कमाल का है, उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत तगड़ा है। जैसे बेसन का चीला बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो ब्रेकफास्ट के साथ में मैं क्या लेता हूँ, मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, बट नॉट वे प्रोटीन, मैं ब्रांड बताऊँगा तो ऐसे लगेगा मार्केटिंग हो रही है, बट आप कोई भी ले सकते हो जिससे मसल्स बनती हैं, जिससे हेयर लिंक्ड है, स्किन, मतलब सब कुछ ही लिंक्ड है उससे। और बहुत ज़रूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। एक दिन में जितना आपका बॉडी वेट है उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना है। उसके लिए भी लोग बोलते हैं इतने टाइम्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पर उसके थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। तो 70 अगर आपका वेट है तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। लोग इतना भी नहीं लेते, उल्टी सीधी डाइट खा रहे होते हैं। और चीज़ों को मिक्स किया जाता है, जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें दाल को और चावल को मिक्स किया जा रहा है। तो चावल में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो दाल में नहीं है, दाल में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में नहीं है, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंप्लीट हो गया। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा ये सब चीजें, चल रहा है, काम का लग रहा है, भूख लग गई है, भूख लग गई, मगाए पाजी छोले भटूरे। उसके बाद में 12 बजे के आसपास में आई टेक एन एप्पल, वो एप्पल मैं अपने साथ में ऑफिस ले जाता हूँ। तो एक डब्बे में एप्पल डाला, ले गया, या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया। फ्रूट से क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। बॉडी के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट जरूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट 2 बजे के आसपास। लंच में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा सैलेड लेता हूँ, ये हम गलती करते हैं, ये हम नहीं लेते हैं। सैलेड में बेस्ट क्या है, खीरा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और किसी दिन आप घर पे हो, छुट्टी का दिन है, तो मूली भी खा सकते हो, ऑफिस में अवॉइड करो। तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया, 2 रोटियां, साथ में 2 कटोरी दाल हो गई, रोज अलग अलग टाइप की दाल हो गई, कभी राजमा हो गया, कभी छोले हो गए, कभी कुछ भी, रोज अलग अलग। उसके बाद में 5 बजे के आसपास में अखरोट खा लिए 4-5, बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं यहाँ पे 5 बजे। ये सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिलअप हो जाओ, माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कुछ मिलता जा रहा है, आई एम नॉट क्रेविंग। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसी प्रोग्राम्ड हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके माइंड को पता होता है, नहीं तो अगर माइंड को ये लगा कि ये तो मुझे भूखा मारता है, लंच करता है उसके बाद में 8 घंटे तक खाता ही नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, बॉडी में फैट को प्रिजर्व करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ नहीं आएगा मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ या मोटी क्यों हो रही हूँ। आप इसलिए मोटे हो रहे हो क्योंकि आप कम खा रहे हो, गैप बहुत ज्यादा है। हर 3-3 घंटे में खाते रहोगे तो माइंड को सिग्नल मिलता रहेगा, माइंड आराम से रिलैक्स रहेगा। बट सर पतले भी तो हो जाते हैं, आप 8 घंटे भी खाओ तो, मैं तो होती हूं। वो पतला होना किसी काम का नहीं है, वहीं से मैंने सेशन को शुरू किया ना कि एक है आप बाहर से फिट दिखो, एक है अंदर से फिट हो और एक्टिव भी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट फील एक्टिव। उसके बाद में क्या किया, डिनर का जितनी जल्दी करो उतना बेटर है, मैं 7 बजे से पहले कर लेता हूँ। डिनर जो है वो सबसे हल्का होना चाहिए, आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिनर से है।
इसके एक कहावत भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, कहते हैं कि जैसे सुबह खाओ तो राजा की तरह, रात को खाओ भिखारी की तरह। भिखारी ऐसा जिसको ज्यादा भीख नहीं मिली है, है ना? नहीं तो आप कहोगे नहीं भिखारी को आज राजा से भीख मिली है, तो दावत है। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे डायरेक्टली कनेक्शन है आपकी हेल्थ का। डिनर लोगों का सबसे हैवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, डिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, रात को दूध पी सकते हो, दूध ही पीते तो बढ़िया हो गया। भूख लग रही है तो एक गिलास के बजाय दो गिलास दूध पी जाओ गरम रात को, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कैलोरीज नहीं है। मेन शुगर के अंदर आ रही है कैलोरीज, दो चम्मच भर के डालती, मान लो 15 ग्राम की एक चम्मच है, दो चम्मच हो गई 30 ग्राम, इनटू 4 कर दो, दैट मींस 120 कैलोरीज आपकी शुगर के थ्रू आ रही है। इनफैक्ट जो भी व्हाइट चीजें है ना, अभी सुनने में अजीब लगेगा, उसको व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट ब्रेड, राइट। तो ये व्हाइट से थोड़ा सा दूर रहो। तो बजाय चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से एनर्जी मिली और एकदम से एनर्जी गिरी, आपको क्या चाहिए, पूरी रात आप थको नहीं, सुबह फ्रेश उठो, तो एक गिलास के बजाय दो गिलास पी लो, फीका दूध पीना शुरू कर दो। फीका आपको लग रहा है लेकिन फीका होता नहीं है, उसमें भी शुगर होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें शुगर ना हो। शुगर क्या है, कार्ब्स है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खा रहे हो जिसमें शुगर ना हो। बॉडी अल्टीमेटली उसको एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है। तो एक तो है कि आप शुगर से एनर्जी लो, एकदम से एनर्जी मिलेगी, एकदम से गिरेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, उल्टे सीधी चीजें खा रहे हो, होता है। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, आपने 7 बजे डिनर किया या 8 बजे डिनर किया, 10 बजे एक गिलास दूध पी लिया फीका, धीरे धीरे आदत डालोगे तो फीका ही अच्छा लगने लग जाएगा कुछ दिनों बाद, फिर मीठा अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके बाद में और एक घंटे बाद एक गिलास और पी लिया, खत्म, पेट फुल, कैलोरीज उतनी ही गई बल्कि उससे कम गई। समझ गए, प्रोटीन खाना सही होता है, बहुत बढ़िया होता है, रात को प्रोटीन खाना अच्छा होता है। प्रोटीन ऐसा जो थोड़ा धीरे रिलीज हो, एक होता है फास्ट रिलीजिंग प्रोटीन, एक होता है स्लो रिलीजिंग प्रोटीन। तो दूध के अंदर क्या होता है, कैसीन होता है, तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो रात को हमारी बॉडी को जो रिपेयर वर्क होता है आपकी पूरी बॉडी का, वो रात को हो रहा होता है। तो रात के लिए इट इज एक्सट्रीमली गुड कि अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो तो। उससे एक और बेनिफिट क्या होता है, एक तो नींद अच्छी आती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सुबह आप पूरी एनर्जी के साथ उठते हो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, इसमें फाइबर भी आ गया, पानी का आप 8 से 10 ग्लास पी सकते हो एक दिन में, और इसमें प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, अब कुछ भी छूटा नहीं है। इट इज अ बैलेंस्ड डाइट। ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसमें कहीं टेस्ट नहीं है, बहुत टेस्टी है, मतलब टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं पर भी, आप समझ गए, टेस्ट भी वहीं का वहीं रहा, खाया भी पूरा भर करके, एक मिनट के लिए भी मैं भूखा नहीं होता हूं पूरे दिन में, समझ गए, कोई डाइटिंग नहीं है यहां पर, धीरे खाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने पहले भी डीपली टच किया था, 100% वो धीरे धीरे ना क्या होता है कि पहले तो समझना पड़ता है, कॉन्शियस होना पड़ता है कि धीरे खाना है, बाद में आदत ही पड़ जाती है। तो मेरी आदत पड़ गई है धीरे खाने की, अब मैं चाहूंगी तो तेज नहीं खा सकता, चबा करके खाने की आदत पड़ गई है, अब मैं ठूस नहीं सकता, देखो लोग ना ठूस लो तो वो नहीं हो सकता। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। If you like our videos, please like, comment, share and subscribe.